बाद जिन्हें मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के जनरल सेक्रेटरी जनाब मुस्तफा फारूक साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वहाँ अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब मुस्तफा फारूक साहब, आज के इस प्रोग्राम के मेहमान भाई शबीर अंसारी साहब और इस प्रोग्राम के सबसे ज्यादा सीनियर इम्पोर्टेंट हीरन चंद्रपुष्कर साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी हमारे साथी लुत्फ़ैयूब साहब, निज़ामुद्दीन साहब, आदिल अंसारी साहब, सईद खान साहब, राजकीय साहब, कल्याण दावड़े साहब, कैलाश गौर साहब, बबन तारवाड़े साहब, विश्वनाथ पाटिल जी और सभी बुजुर्गों भाई, मैं भी बहुत तेजी से अपनी बात समेटना चाहता हूँ। मेरा एहसास ये है और ये जमाने की एक रीत और प्रैक्टिस रही है कि जिनके पास पावर रहा है उन्होंने पावर को न्याय और जस्टिस के साथ यूटिलाइज नहीं किया है, बल्कि शोषण जो है यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस रही है। इसलिए आज जो बात शबीर अंसारी साहब ने छेड़ी है कि संविधान सम्मान सम्मेलन, ये कल भी जरूरत थी, आज भी है और शायद कल भी रहेगी। इसलिए कि सम्मान के लिए वही लोग कोशिश करते हैं जिनको सम्मान नहीं मिलता और जिनके हाथ में सत्ता होती है वो संविधान से खेलते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऐसा ही है कि अकबर साहब की बात को हमारे लाड़े साहब ने पॉलिटिकली उनको प्लीज करने के लिए कहा हो, लेकिन वो सीधी इक्वेशन है कि अगर कुछ निश्चित होगा तो कमजोर तो होगा, चाहे वो सरकार में हो, कमजोरों का नेता हो तब भी वो कमजोरों के नेता है। इसलिए भुजबल साहब चाहे जेल भेजे गए हो हमेशा तो रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर मुंडे साहब की भी याद है, लेकिन मुंडे साहब कैसा गए क्या गए कोई इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं। एक बड़ा आदमी जैसा शबीर भाई ने कहा, मुझे भी छोटा मोटा उनसे इंटरेक्शन का मौका रहा, हालांकि मैं सब जमात इस्लामी का आदमी हूँ, लेकिन मुंडे साहब से मेरा भी संपर्क रहा। तो वो ये पॉलिटिक्स से उठकर सोचने वाले आदमी थे, अब पार्टी बाद में, पहले वो अपने सोच के आदमी थे। लेकिन मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, ये साहब को भेज दिया जाता, ये वही प्रैक्टिस है कि जो शोषण करने वाला माइंडसेट है, मानसिकता है, वो माइंडसेट शोषण करती रहेगी और वो इधर से उधर से इधर यूटिलाइज करती रहेगी। कल तक कांग्रेस का मेजर वोट यही था, SC ST OBC मुस्लिम, अब वहां से किसका, तो किसी और के पास है। आज महाराष्ट्र का तकलीफ इसीलिए है कि ओबीसी खिसक के एक पैनल खड़ा हुआ है, यानी महाराष्ट्र में डोमिनेशन जो है वो मराठा समाज कर रहा है, रह सकता है, रहना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि जिसको आप इस्तेमाल करते हैं उसको पूरा नहीं तो आधा तो दीजिए, लेकिन हम उसको देने के मामले में बहुत कमजोर वाले। इसलिए वो सारे फिगर्स मैं कह दूंगा, ये सारे नेतागण यहाँ बैठे हैं उनको अपने समाज की ज्यादा वाकफियत है कि अगर रिजर्वेशन है तब भी रिजर्वेशन की सीट्स को फिल नहीं किया, 54% ये कम है, ये बात मुंडे जी कहते हुए चले गए और वो एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट देकर गए कि आपके पास जानवर गिनने के लिए रिसोर्सेस है, लेकिन ओबीसी को गिनने के लिए आपके पास तैयारी नहीं। जो मेजर पार्ट है ओबीसी का, भारत की इस डेमोक्रेसी का मेजर पार्ट है, उसकी जनगणना के लिए
तैयार नहीं है गवर्नमेंट, इसलिए जनगणना करवाते हैं तो उसके स्टेट को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है तो शेयर देना पड़ता है, लेकिन शेयर नहीं देना और काम निकालना, इसी का नाम है सोशल इंजीनियरिंग। और उसमें जिसको जितना मौका मिलता है वो कर लेता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हुए, इसलिए कि मैं ये सारे लीडर्स जो बैठे हैं ये मुसलमान समाज के कंपेरिजन में बहुत ठीक है। इवन दाड़े साहब आप कह रहे हैं कि नावी समाज, मुसलमान समाज शायद उससे भी बहुत पीछे इसको, अरे सोशली अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको आप अदरवाइज ना लें। शब्बीर साहब जो है उनके काम को आज भी बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है। यहाँ तो जो लोग बैठे हैं पब्लिक बैठी है, शब्बीर साहब के कार्यकर्ता है सब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के, पब्लिक को जमा करते तो हॉल कम पड़ जाता, लेकिन मैं और उनके वर्कर्स यहाँ पर हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है कि आज भी रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, अब तो उन्हें कुछ समझा और ज्यादा नहीं समझा, फिर भी कम से कम मुसलमानों में ये सेंस डेवलप हो रहा है कि रिजर्वेशन कोई चीज है और हमको इसके लिए निकलना चाहिए। इसलिए जब मराठा मोर्चे निकले तो कुछ मुसलमानों के मोर्चे निकले, अभी और रिसेंटली निकला, तो जो निकल रहे अभी उनको बहुत ज्यादा मालूम नहीं है कि ये व्यवस्था है क्या और इसके फायदे क्या है। जिस दिन उनको ये समझ में आ जाए या समझा ले जाए तो ओबीसी का पावर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए कि ज्यादा ही मुसलमान महसूस करता है। मैं बहुत सिंपली एक दो चीजें कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। सब वो जो सज्जन की रिपोर्ट आई, महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट आई, तो आज सिचुएशन ये है कि आप जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखेंगे तो जो भारत के भिखारी हैं उसके 25% मुसलमान हैं। टोटल भिखारी जो आइडेंटिफाई हुए हैं उसके 25% मुसलमान नारी नहीं है। उसी तरीके से आप देखेंगे जेल को देखेंगे तो 42% है महाराष्ट्र में मुसलमान, 42% स्लम्स को देखेंगे तो मुसलमानों का 72% स्लम्स में है। अब मैं ये सारे फिगर्स लाकर ये नहीं बात को लेने नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत का मेजोरिटी मुसलमान, इसकी तो हमारे एक मुलाकात सदन चालक सुदर्शन जी से भी हुई थी, वो हमको ये समझा रहे थे कि यहाँ का जो मुसलमान है वो 90% भारत ही आती है और वो पिछड़े समाज का है। तो यहाँ की मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स भी जो है वो बैकवर्ड क्लासेस से कन्वर्ट होती है। अगर ये स्ट्रेंथ है तो इसको अगर हम उसी ग्राउंड पर जैसा कि आज प्रयास शबीर अंसारी साहब ने किया है कि हम ओबीसी को बेस बनाए इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, तो ओबीसी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ कंसोलिडेट होती है तो किसी और स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सिचुएशन में बस इसी रिक्वेस्ट के साथ कि शबीर अंसारी साहब को और इसके स्कीम को और कम्युनिटी को ज्यादा ले जाना चाहिए। ये इशू आया मैं तब से कह भी रहा था कि आप ये और इन लोगों को संगठित कीजिए। शबीर अंसारी साहब की वीकनेस ये है कि वो इतना काम करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, लोग हर जगह है और इतने लोग होने से काम बहुत होता है। बल्कि मैं ये कहूँ अपने मुसलमान भाइयों से कि अगर संगठित हो और शिक्षित हो लोग तो बहुत कम लोगों से काम होने की मिसाली नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप जब मदीना आए थे और जो माहिरा किया था तो मदीना की बस्ती 10,000 की, और वहां जो कोलिशन बनाया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मीसा जो हम कहते हैं, उसमें 10,000 की बस्ती में मुसलमान सिर्फ 500 थे, 2,500 अलग है मुस्लिम थे, और वो नॉन मुस्लिम्स में जियोस क्रिश्चियन सभी समाज के लोग, 2,500 पर 500 लोगों ने डोमिनेट किया था, इसलिए कि वो शिक्षित थे, संगठित थे और वो स्ट्रगल करने संघर्ष करना जानते थे। आपके पास समाज में लोग अपने ओबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से, इस भारत को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा शिक्षित है। अगर मैं ये कहूँ तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि भारत के समाज को जितना शब्बीर अंसारी जैसे कम पढ़े लिखे आदमी ने समझा है, शायद अभी हमारे पास के बहुत से इंटेलेक्चुअल्स ने नहीं समझा, बहुत से पीएचडी ने नहीं समझा, बहुत से उर्मा ने नहीं समझा कि भारत क्या है,
भारत की व्यवस्था क्या है, भारत का संविधान क्या है, यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ की वीकनेस क्या है। तो जो समझ आपने दी है, इस समझ को आप लेकर चलिए, वो ज्यादा पॉपुलर समझ है और उससे आप ज्यादा चीजों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और ये इस फेस के साथ अगर आप जाते हैं तो हम ये समझते हैं कि इसमें फ्यूचर है और उसमें इंसाफ है, उसमें अमन है। और ये इंसाफ और अमन होगा तो सबकी तरफ ही होगी। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ।